सस्ता ही नहीं कौन सस्ता रहा, महंगाई हो गया सर। एक मोटेशन महंगाई हो गया, पेट्रोल भी देने लगा 120 रुपए लीटर, गरीब जनता को ठहरने का रहने का नहीं है, शादी भी नहीं कर सकता। कारण नीतीश कुमार कह रहा है कि राजहित में आपको महंगाई थोड़ा सहना पड़ेगा। कहाँ सहेगा, कहाँ से सहेगा, क्यों सहेगा, क्या लॉकडाउन में, लॉकडाउन में जाने के बाद कितना गरीब लोग जो है मारे गए, जो की अपना रोजगार करके खाता था, और लॉकडाउन लगवा के सारा जनता को परेशानी में डाल दिया, सबको मार दिया, भुखमरी को उठा दिया। तो कह रहा है कि लॉकडाउन में हम सबको पैसा दिए हैं अकाउंट पे, खाता कहाँ दिया है, 5 दिन का तो कागज पे दिखाए, पेपर में भी आए कितना करोड़ रुपया। आप जो है सर हमको 5 रुपया सब अफसर खा गया पैसा, एक रुपया नहीं मिला, किस कारण पैसा परेशान हो गए। लेकिन कभी जो की बाइक मिला भी है ना, बड़े आदमी को गरीब को नहीं मिला है, नहीं पहुँचा, अभी हम ठेला चला रहे हैं। लालू जी के समय 50 रुपया रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, था अगर 5 रुपया में भागलपुर जाते थे, 5 रुपया अभी किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं। असरगंज गोला से तारापुर जाएगा, 20 रुपया भाड़ा दीजिए, पैसा पहुँचा है, महंगाई हुआ कि नहीं हुआ, ट्रेन में 5 रुपया में भागा भी है तो उसी के पास पहुंचा है, महंगाई हुआ है तो आमदनी भी बढ़ा है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, क्या आमदनी बढ़ा, अरे आमदनी बढ़ा किसके लिए, मोटे आदमी के लिए आमदनी बढ़ा, गरीब का जो की खाता कमाता है उसके लिए कोई आमदनी नहीं बढ़ा, आमदनी नहीं बढ़ा, 105 रुपया लीटर तेल हो गया, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा 50 रुपया लीटर किरासन तेल हो गया। महंगाई बढ़ने पे गरीब आदमी यार पिस रहा है, बड़ा आदमी और आ गया ऊपर जाएगा, 4 महीना का लॉकडाउन, नीचे वाला आदमी, 4 महीना का लॉकडाउन, गाड़ी का पैसा अभी कट रहा है, अभी तो मांग रहा है, मेरी दिख रहा है, बोलिए इधर आए, अफसर सुनता नहीं है मेरे ब्लॉग में, हमने नीतीश को दिया कागज, नीतीश का दिए लेकिन हमारा दरमाहा नहीं मिले, तो नीतीश कुमार भी, नीतीश कुमार भी आपके आवेदन को नहीं सुने, दलिया कल कह दो वो दलिया अथी वाला काम करने वाला वो नहीं दल के हमारा नहीं दिया, मजदूरी जब हमारा नहीं दिया, सावन के डिप्टी वाला काम के पैसा नहीं दिया, तो मजदूरी के कमे की देते, बिजनेस बढ़ा दिया ना, वो तो कह रहे हम बिजनेस बढ़ाए, लोगों को भलाई के लिए थोड़ा सा कड़वा पीना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है, जो है ना पूरे खत्म कर दिया, पहले असरगंज में जो है ना 5-6 स्टाफ जो आदमी रखता था, आज स्टाफ बन के त्रिपुर में काम कर रहा है, पूरे तहस नहस कर दिया, बिजनेस को बर्बाद कर दिया, पूरे बर्बाद कर दिया, आपको महंगाई से परेशान है, सोशल चीज से आदमी परेशान है, महंगाई से अफसर साहब, अफसर साहब मैं आपके ब्लॉक, आपके ब्लॉक में जो है अफसर साहब महंगाई चरम सीमा पर है, इसके राज में अफसर साहब बेसी बड़ा है, हम कहते हैं लालू जी को कहता था जंगल राज, आज जंगल राज तो यह बनाया, घर से लोग औरत बच्ची निकल नहीं सकती, रात में मर्डर होता है, क्या भ्रष्टाचार है, क्या इंसानियत है, बताइए आप इस सरकार में, और लालू जी को कहता था जंगल राज, हमारा कहता मंगल राज है, यही मंगल राज है, अगर ठीक है लालू जी तो बोलने का मौका दिया, हाँ आज बैकवर्ड को बोलने का मौका कौन दिया, लालू जी ने, नहीं तो बड़े फॉरवर्ड याद बैठने नहीं देता था, नीतीश कुमार कह रहा है बैकवर्ड को हम भलाई किए, क्या भलाई किया, एक भी भलाई की ना, जमीन से उठा के ऊपर, क्या जमीन से उठाया, एक बताइए, एक जानी जाति अगमान पत्र बनाने जाते हैं तो 500 रुपया मांगता है नीतीश का आदमी ब्लॉक में, जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ 500 रुपया मांगता है नीतीश कुमार, यही भलाई किया है, जनता का जो राज था पहले ब्लॉक पे, अभी क्या अफसर का राज है, अफसर शाही गुंडा जा ही राज है, पहले हरा गमछा बांध के जाते थे डर से काम करता था, अब पैसों देते हैं काम नहीं करता, भगाता है, ये नीतीश सरकार का सुशासन है, इतना भ्रष्टाचार अफसर शाही है, हर ब्लॉक पे, हर ब्लॉक, हर कदम, हर जगह, हर थाना में जाइए, ब्लॉक में थाना में भी है, थाना में मत बोलिए, थाना में नहीं सुनता है, थाना वाला बोलता है 50 बार छोटे छोटे केस में 50 बार गए, 50 बार फिर भी नहीं, नीतीश कुमार कहता है FIR आसानी से हो जाता, नहीं होता, पहले 5,000 पहले कटा पैसा, पहले पैसा तब,
सब के चार होगा ऐसे डीजल हो गया 120 रुपए लीटर किन्होंने नहीं दिया। और बिहार में तारापुर प्रखंड में ऐसा इतिहास अरुण बाबू जीतेंगे शायद इतिहास ही रचे जाएंगे जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक इतिहास रचा वैसा इतिहास रचेंगे। आज नीतीश कुमार कहता मैं शराबबंदी किया और घरे घर शराबबंदी बिक रही है और सरसाई हो रही है गुंडागिरी हो रही है सब कुछ तो सामने है। महंगाई चरम सीमा पर है। इस तरह कीमत में गरीब आदमी का जुगाड़ा नहीं है। अब किस समाज से? मैं मनोज कुमार खेतान हूँ मरवाड़ी समाज से बिलोंग करता हूँ। बैस समाज से हूँ। और मेरे पिताजी समाजवादी जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं खुद एमपी इलेक्शन लड़ चुके हैं सरगंज से। सरसों तेल पहले था 120 रुपया अभी 240 रुपया सरसों तेल है वही हाल रिफाइन का वही हाल डालडा का। सब्जी देखिए गेहूं देखिए आटा देखिए किसान हाहाकार है। तो दाम बढ़ा के आप लोग के लिए फायदा किया कि नुकसान ही नुकसान है। क्या फायदा कोई गरीब आदमी के घर में कड़वा तेल नहीं पहुँच रहा 240 रुपया किलो कड़वा तेल खा रहा उसी में किसी का सरकार का अंकुश नहीं है। अच्छा क्या बोला जाए इधर डीजल का क्या हाल है? डीजल तो 60 रुपया से 105 100 रुपया लीटर अभी है। आज डीजल के चलते सब महंगाई बढ़ रही है। सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। पूरे बिहार में एक तरह का बेट पूरे इंडिया में लगना चाहिए डीजल का। अरे हो गया तो आप नीतीश सरकार से खुश नहीं है? ना खुश है और हमेशा के लिए ना खुश है। लालू जी ने बैकवर्ड को बोलने का हक दिया आज गरीबों का मसीहा है। आज गरीब के चलते जब बैठने नहीं देता था पैसा नहीं दिया लालू जी को जो है पशुपालन घोटाला पुलिस के राज हाँ। तो कह रहा हम गरीब के साथ हैं कहाँ होते जन कुछ छू नहीं खाली एगो हवा। तो इस बार आप किसके साथ हैं? है हम्मा दाबा यहाँ थे तब किसका साथ है? लालू जी के साथ है जन्मजात लाते हैं सर। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।